Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is Matter and its Characteristics. Today I am going to deliver its sixth lecture and in today's lecture we are going to discuss an other physical property which is volume. So before that let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what is mass? what is its unit so the amount of matter inside an object is called matter and the unit of it is this measure it is grams or kilograms so how can we measure mass of objects we can measure it through physical balance digital balance or electric balance okay my dear students now let's quickly

मैटर इनके अंदर सेम है यानी कि इन तमाम एप्पल्स का मैटर और इस मेटल बार का जो मैस uh, है वो सेम है क्योंकि इनके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो सिमिलर है लेकिन ये कितनी जगह घेर रहे हैं ज्यादा जा, जगह घेर रहे हैं मेटल बार इज ऑल्सो वन के जी लेकिन ये थोड़ी जगह घेर रहा है तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है कोई भी चीज दैट इज वॉल्यूम ओके सो एप्पल्स का वॉल्यूम ज्यादा है मेटल बार का वॉल्यूम कम है मास दोनों का सिमिलर है तो अगर किसी चीज का मास सिमिलर है तो हो सकता है कि उनका वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट हो आर ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर मैथ हैव सेम वॉल्यूम टू नो जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके अंदर मैंने पानी डाला था अब अगर मैं पानी जो है उसको चले ये मैं एक्टिविटी आपको आगे करवाती हूँ अभी हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे ठीक है नाउ लेट्स लुक एट इस्लामिक सो अल्लाह सेज इन कुरान दैट एंड इट इज़ ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द दन एंड द मून ऑल इन एंड ऑर्बिट आर स्विमिंग सो माई डियर स्टूडेंट्स जो तमाम चीजें हैं अल्लाह तला ने उनको एक मुनासिब तरह से बनाया है और उसके बाद जो है उनको जैसे कि सूरज चांद सितारे हैं वो एक मदार में घूम रहे हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर एंड सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम टूडे सो प्री रीडिंग क्वेश्चन हाउ कैन वी मेयर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स सो वी कैन मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स थ्रू सिलेंडर्स एंड ब्यूरेट्स एंड बीकर्स क्योंकि इनके ऊपर मेजरमेंट लिखी होती है आपको कितना पानी कितने आउंस या कितने एम uh, एल आपको पानी चाहिए इनके ऊपर रीडिंग्स होती हैं इनके थ्रू जो है हम uh, इसको मेजर करते हैं पानी के वॉल्यूम को सो माय डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको वॉल्यूम के एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकती हूँ uh, कि मेरे पास एक ग्लास है और एक ब्यूरेट है दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरेट ठीक है दोनों का मैथ सिमिलर है लेकिन दोनों का वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है दोनों कितनी स्पेस जो है वो लेते हैं दैट इज डिफरेंट ठीक है ग्लास हैज इज टेकिंग मोर स्पेस वेयर एज दिस ब्यूरेट इज टेकिंग लेस स्पेस मैथ सेम है क्या चीज डिफरेंट है दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम का क्या मतलब है कि ज्यादा जगह घेरना ठीक है इसी तरह से इस बॉटल के अंदर ये पानी है अगर आप इसको किसी फ्लैट या ओपन चीज में डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसमें डाल देती हूं नाउ इट इज टेकिंग मोर वॉल्यूम ये जो है ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, क्योंकि ये फैल गया है सो so, इस तरीके से हम वॉल्यूम को आ, जो है वो डिटर्मिन करते हैं ओके okay, my डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड forward towards द रीडिंग सो today वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम सम ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस यानी कि जब कोई चीज ज्यादा स्पेस घेरती है तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम ज्यादा है देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर मैथ यानी कि दो चीजें जिनका सेम मैथ है यानी कि दोनों का एक एक किलो जो है वो मैथ है लेकिन सेब जो है वो ज्यादा वजन घेर रहे हैं ज्यादा जगह घेर रहे हैं जबकि जो ये मेटल बार है ये कम जगह घेर रही है मैथ दोनों का सिमिलर है लेकिन वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है लुक एट द पिक्चर पिक्चर 4.7 एज यू कैन सी इन दिस साइंटिफिकली वी से दैट ऑफ हैज मोर वॉल्यूम देन आयरन वेट यानी कि जो ये आयरन बार है इसका दोनों का मैथ सिमिलर है लेकिन वॉल्यूम जो है वो एप्पल्स का ज्यादा है सो वॉल्यूम इज द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज यानी कि एक चीज कितनी स्पेस ले रही है वॉल्यूम ओके okay? कितनी स्पेस घेर रही है कितनी जगह घेर रही है लिक्विड कीप देर सर्फिस बैलेंसड लिक्विड जो है वो अपनी सर्फिस को बैलेंस रखते हैं यानी कि आप ये देखिए इसकी एक बैलेंस्ड सर्फेस होती है रीड द पिक्चर इन टर्म्स ऑफ मैस एंड वॉल्यूम व्हाट इज द वेजिटेबल्स वर एट लोअर लेवल देन द आयरन वेट ठीक है अब यहां अगर आप देखें Uh, कि आपको नजर आएगा कि ये दोनों जो है पिक्चर्स में यहां दोनों का सेम जो है वो लेवल पे आए हुए हैं इसका मतलब है दिस इज वन के जी एंड दिस इज ऑल्सो वन के जी मैथ दोनों में सिमिलर है क्या हो अगर वेजिटेबल्स जो है ये नीचे चली जाए इसका मतलब है जो चीज नीचे होती है वो भारी होती है तो इसका मतलब है वेजिटेबल्स का वेट ज्यादा है अब मुझे बताएं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है अभी भी वेजिटेबल्स का वॉल्यूम ही ज्यादा रहेगा अगर जो है आप कहें कि वेट जो है वो नीचे चला जाए और वेजिटेबल्स जो है वो ऊपर चली जाए अब क्या होगा अब वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नो स्टिल वेजिटेबल्स का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा रहेगा म, जो अमाउंट ऑफ मैटर है सिर्फ वो जो है वो कम ज्यादा हुआ है ठीक है देयर वॉल्यूम इज देयर फोर मेजर बाई यूजिंग मेजरिंग कंटेनर्स यू ऑफन हैव सीन द स्केल अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द कप्स और जगस विच मेजर वॉल्यूम इन दीटर मिली लीटर्स ठीक है तो इस तरीके से अक्सर आपको फीडर बॉटल्स के ऊपर या मेजरिंग कप्स के ऊपर जो है अक्सर आपको डिजिट लिखे हुए नजर आते हैं दिस इज हाउ वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और इसको लीटर या मिली लीटर में जो है वो मेजर किया जाता है सो so, वॉल्यूम जो है वो मैटर से मैथ से डिफरेंट होता है मैथ जो है अगर किसी चीज का सेम है दोनों का मैथ सेम है लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है अब जल्दी से इस पिक्चर को देख के बताएं कि कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है मेटल वेट का ज्यादा है या फ्रूट्स का ज्यादा है किसका वॉल्यूम ज्यादा है वेरी गुड फ्रूट्स का वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड्स का वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं इट इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिली और इनको हम थ्रू ब्यूरेट्स या सिलेंडर्स या बीकर्स के थ्रू हम इनको मेजर करते हैं ओके नाउ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर सिक्स लुक एट द पिक्चर गिवन इन एक्टिविटी नंबर फाइव विच ऑक्यूपाई विच ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम अब यहाँ आपके पास दो पिक्चर्स हैं हमने प्रीवियसली एक एक्टिविटी एक 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 की थी कि आपने इन दोनों फ्रूट्स को जो है टेबल पे रखा था और उसके बाद आपने मैथ डिटर्मिन किया था कि किसका मैथ ज़्यादा है और हमने कहा था कि वाटर का मैथ ज़्यादा है लेकिन अब इन ई दोनों फ्रूट्स को अगर आप कंपेयर करें तो मुझे जल्दी से बताएं कि दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा है अभी भी वाटरमेलन का वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि वाटरमेलन ने ज़्यादा जगह घेरी भी है ऑक्युपाइज मोर स्पेस वेयर एज एपल इज ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस कम जगह घेर रहा है सो कितनी जगह कोई चीज घेरती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं सो वॉटरमेल मोर स्पेस वॉल्यूम ऑफ वॉटरमेलन विल बी मोर सो माई डियर स्टूडेंट अब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर टू दिंग्स दर आर रिक्वायर्ड इज कंटेनर जग कप बॉटल एटलीस्ट फाइव हंड्रेड एम एल स्केल कैपेसिटी शुगर एज पर टेस्ट सॉल्ट एज पर टेस्ट लेमन हाफ वॉटर यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वाड वॉल्यूम वॉट डू एड लिटल अमाउंट ऑफ वॉटर इन द मेजरिंग कंटेनर दैट इज हंड्रेड एम एल एड सॉल्ट शुगर एंड लेमन इन दंटेनर मिक्स दम बेल उनको अच्छी तरह मिलाएं एड वॉटर टू एंड मेक द वॉल अपि एम एल अब उसमें आप और पानी शामिल करें ताकि उसका जो पानी है वो टोटल जो है वो टू फिफ्टी एम एल हो जाए पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर लेमन शोइंग 250 फिफ्टी एम एल वॉल्यूम इन द गिवन स्पेस ठीक है अब आपको क्या करना है आपको इस तरीके से एक मेजरिंग बैलेंस लेना है ये 100 एम है इसमें आप 100 एम जो है वो वाटर मेजर कर लेंगे ठीक है किस तरह मेजर करते हैं इस तरीके से आप पानी डालेंगे डालते जाएं जब ये 100 पे आ जाएगा तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर लेंगे ठीक है अब आप इसको ग्लास में डाल दें एड वॉटर सॉरी आपने वाटर ऐड कर दिया अब इसमें आपने चीनी नमक और लीमू डालना है मैंने इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है अब इसके अंदर हम और जो है वो पानी डालेंगे इतना पानी डालेंगे कि ये 250 फिफ्टी हो जाए ठीक है तो इसके मतलब है मैं इसके अंदर 100 ml और डालूंगी डन 100 एम मैंने और डाल दिया और अब मैं इसके अंदर 50 एम और डालूंगी ताकि ये 250 टोटल हो जाए ये मैंने इसमें डाल दिया अब इसके बाद आप क्या करेंगे आपने एक बोतल एम्प्टी बोतल लेनी है और एम्प्टी बॉटल के अंदर आपने अपना तमाम जो लेमनएड है उसको कन्वर्ट कर देना है इसको किसी बड़े की हेल्प से आपने कन्वर्ट करना है आप फनल लेके भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने अपनी बॉटल को टैग करना है माय लेमनएड विद 250 एमएल ठीक है तो इस तरीके से हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि हम लिक्विड्स को किस चीज से मेजर करते हैं वी मेजर देम थ्रू ब्यूरेट्स फनल बीकर्स और इस तरीके की मेजरिंग जो uh, वो है उनसे हम इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं सो दिस इज हाउ यू विल मेक योर लेमनेट ठीक है मैंने इसको ब्यूरेट से मेजर किया है आपके पास कोई और मेजरिंग कप है तो आप उससे भी इसको मेजर कर सकते हैं सो अवेल्यूएशन वॉट इज वॉल्यूम द स्पेस दैट मैटर इक्वायर इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम आर ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर मैथ हैव सेम वॉल्यूम टू नो What is measuring unit of volume for uh, liquids? It is liter and milliliter. So, my dear students, now let's practice. So, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number, and then choose the object with. मोर वॉल्यूम फ्रॉम गिविन सेट्स सो माइड स्टूडेंट्स आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं और इसमें आपको किसका वॉल्यूम ज्यादा आपको लगता है आपने उसको सर्कल करना है सो द साइकिल बिगर साइकिल बिगर कार इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस दैट इज वाई इट हैज मोर वॉल्यूम द बॉल विच इज बिग इन साइज इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस दैट इज वाई इट हैज मोर वॉल्यूम ठीक है इसी तरह से the bigger pencil is occupying more space, that is why it is has more volume. what is volume? any object that acquires more space, it is called, uh, uh, has uh, the space that uh, that an object acquires is called the volume. how we measure volume of liquids through burets or measuring cups? if mass of two objects a and b are same, will their volume be same? abdono ka mass same hai. 1 kg apples and 1 kg आयरन बार सो क्या इनका वॉल्यूम भी सेम है नो दॉल्यूम इज नॉट सिमिलर और जल्दी से मुझे बताए वॉल्यूम किसका ज्यादा उसको सर्कल करना वॉल्यूम बिकॉज दे आर ऑक्युपाइंग मोर स्पेस सो जो भी चीज ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है सो फॉर होमवर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम सेक्शन सी ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड ठीक है पेज नंबर सिक्सटी फोर सो माई डियर स्टूडेंट्स वॉट इज वॉल्यूम एनालाइज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ठीक है सिर्फ आपने सॉलिड और लिक्विड को एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ओके माय डियर स्टूडेंट्स और आप होमवर्क में अपने प्रोजेक्ट जो हमने किया था आपने उसको रिवाइज करना है आपने लेमनेट बनाना है मेजर करना है घर में मेजरिंग कप सबके होते हैं फीडिंग बॉटल्स होती हैं कोई भी ऐसी चीज जो 250 ml हो आपने उसको उतना मेजर करना है उसके बाद आपने अपना लेमन एड बनाना है और आपने एक बोतल में कन्वर्ट करके लिखना है माय लेम एड टू फिफ्टी ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी हैल ऑन दैम इट्स मेजरिंग यूनिट इज लिटर्स एंड मिली लीटर्स फॉर लिक्विड्स So, my dear students, I hope you have understood about volume today. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah.